जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाई आसवा में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वेडिंग सीजन शुरू हुआ है और मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि आंटी आप हमें डिजाइनिंग के लिहाज से कोई कपड़े दिखाएं कि हमने भी शादियों में कपड़े पहनने हैं, हमें डिजाइन बताएं कि हम किस डिजाइन के कपड़े पहने। पहले भी मैं आपको बहुत से डिजाइन दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपनी बहुओं के वलीमे के ड्रेस लेके आई हूँ जो मैंने खुद डिजाइन करके तो सिलवाए हुए हैं। इनको पहनाए थे डिजाइन करके, बहुत खूबसूरत सेट है जो मैंने इनको पहनाए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी बड़ी बहू का ड्रेस है। इसके लिए मैंने टेल फ्रॉक बनाया था और मैं इसको दिखाती हूँ आपको खोल के इसकी। तो ये देखिए मैंने इसको किस तरह से पैक किया हुआ। इसके अंदर देखिए सारा मैंने कागज रख के, अखबार रख के, तो ये देखिए इसके अंदर मैंने सारा अखबार रख के तो इसको मैंने पैक किया हुआ है ताकि इसका जो सलमा है जिसके ऊपर काम हुआ हुआ है वो दूसरे कपड़े के साथ चिपके ना और इसका काम जो कपड़ा हुआ है वो भी खराब ना हो। तो ये देखिए इसमें से मैं अखबार निकाल रही हूँ। देखिए जरा सा भी अखबार रखने से देखिए कहीं से भी इसका कपड़ा सलमे के साथ अड़ के जरा भी नहीं खराब हुआ होगा। जब भी आप कपड़े रखें तो इसके अंदर अखबार जरूर रख लीजिएगा। अखबार रखने से जो काम होता है, लहंगे हो या कोई भी काम वाले कपड़े हो, ये अखबार रखने से कपड़ा बिल्कुल कभी भी खराब नहीं होगा। जब भी आप पहनेंगे वो वैसे ही नए का नया ही होगा। ये नेट का, नेट के इसके ऊपर काम हुआ हुआ, नेट फैब्रिक्स है, नेट फैब्रिक है और इसके ऊपर ये काम हुआ हुआ सारा। मैं आपको इसकी बैक भी दिखा दूं, बैक इसकी प्लेन है, एक मोटिव बना हुआ बस इसकी कमर पे। और इसके साथ मैंने ये गरारा बनवाया था, जामावार का गरारा। दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। वन साइडेड इस पे पल्लू पे सारा काम हुआ होगा। वैसे तो पूरे दुपट्टे पे काम है लेकिन इसके नीचे सारी उन्होंने फॉल लगाई हुई है जामावार की। मैं आपको इसके साथ ज्वेलरी दिखाती हूँ कि कौन सी ज्वेलरी उसने पहनी थी इसके साथ। ये देखिए इसके साथ मैंने, इनके कपड़ों के साथ मैंने ये चांदी के सेट बनवाए हुए हैं। ये इसका झूमर है, झूमर टिक्का, और ये इसकी बिंदी है, इसका गानी सेट। अब मैं आपको अपना दूसरा डे दिखाती हूँ। पहले
वाला सूट मेरा ग्रे और ब्लू कॉम्बिनेशन में था और ये सूट मेरा एप्पल ग्रीन कलर में है। पैकिंग देखिए मैंने किस तरीके से की हुई है, ताकि कपड़ा बिल्कुल ना, क्योंकि ये नेट नेट के ऊपर ये सारा काम हुआ हुआ है, इसलिए मैंने नेट बहुत जल्दी, ये जो सलमा सितारा जो होता है ना, ये बहुत जल्दी कपड़े को पकड़ता है, ज्यादातर नेट या शिफॉन के कपड़े को, इसलिए मैं इनके अंदर अखबार रख के, कोई भी पेपर ले ले आप, इसका मैंने ये गोल बनवाया हुआ है। देखिए मैंने गोंद बनवाया हुआ, ये मेरी छोटी बहू का ड्रेस है वलीमे का, देखिए आगे से ओपन है, इसकी बैक पे भी मोटिव बना हुआ है और बाजुओं पे भी एक एक मोटिव है और आगे सारा काम हुआ हुआ है। इसके साथ जो सिगरेट पैंट है बस, क्योंकि ये लॉन्ग था ना, इसलिए इसके साथ सिगरेट पैंट है। ये गोन के नीचे की इनर है, ये देखिए पूरा फ्रॉक बना हुआ है और ये सारे इसके ऊपर प्लेट्स डले हुए हैं, सारे इसके ऊपर प्लेट्स लगे हुए हैं, हाफ स्लीव्स है इसकी, इसके नीचे भी जामावर लगा हुआ है सारा पाइपिंग के साथ, बाजुओं पे भी, ये इसका सारा फेयर है, ये देखिए फेयर बहुत बड़ा है, पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था, जब ये ड्रेस पहना था बहुत खूबसूरत था, मैं आपको इसको इसे पहने हुए भी दिखाऊंगी कपड़ों को। ये देखिए इसके फेयर के नीचे भी सारी उन्होंने जामावर लगाई हुई है पाइपिंग के साथ। अभी मैं आपके सामने कपड़े पैकिंग में खोल रही हूँ, इनको अभी प्रेस नहीं किया हुआ, ये मैंने खुद से सिलाई नहीं की है, क्योंकि इतने हैवी कपड़े मैं सिलाई नहीं कर सकती थी, ये सारे कपड़े टेलर ने सिए हुए हैं। अब मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ, इसके दुपट्टे पे भी वन साइडेड सलमा हुआ है, बस नेट का दुपट्टा, इसके आगे सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, पल्लू के आगे भी सारे ये पर्ल्स लगे हुए हैं और सारा पैच लगा हुआ है पूरे दुपट्टे पे, समावार का सारा पैच, देखेंगे पैच लगा हुआ। अब मैं आपको इसकी भी ज्वेलरी दिखाती हूँ, ये देखिए इसका भी चांदी का नेकलेस है, इसके झुमके हैं, ये इसकी बिंदिया है, ये देखिए इसकी बिंदिया, ये इसके साथ इसका पंजांगला है, मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा हो। तो ये थी मेरे दोनों ड्रेसों की फाइनल लुक, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे ये ड्रेस कैसे लगे हैं। मैंने ये पार्टी वेयर भी ड्रेस है,
आप पार्टियों पे भी पहले बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस नहीं है ये, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा हैवी नहीं बनवाए थे कि बंदा बाद में बच्चियां नहीं पहनती कि इतने हैवी कपड़े हैं हमने नहीं पहनने, ये बहुत ज्यादा भारी है हमसे उठाए नहीं जाते, बाद में माशाल्लाह बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ भी नहीं बच्चियां पहनती। तो ये मैंने इस तरह के ड्रेस बनवाए हैं ताकि बच्चियां पार्टियों में भी पहन सके, आसानी से अपने बच्चों को भी गोद में उठा सके। और अगर आप मेरी बहुओं की रिसेप्शन एंट्री की वीडियो देखना चाहते हैं और मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उनकी रिसेप्शन वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज।